हाँ बेटा जी, नीट के सभी एस्पिरेंट्स को जिस दिन का इंतज़ार था वो 5 मई का दिन अब आ गया है बेटा जी। आप 5 मई को बहुत प्यारा पेपर करके आएंगे, क्योंकि किसी भी कंपटीशन को देने के लिए जिस कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो कॉन्फिडेंस आता है सिस्टमेटिक किए गए काम से। और बेटा जी, आप लोगों ने थ्रू आउट द सेशन इतना सिस्टमेटिक और रेगुलर काम किया है कि आप 5 मई को नीट का एग्ज़ाम है वो कॉन्फिडेंस के साथ देंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ देंगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। आप 5 मई को ये ध्यान रखें कि पहले से आपको दिमाग में ऐसा कोई परसेप्शन सेट नहीं करना कि मुझे इतना स्कोर करना है या मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं। आप बस केवल दिमाग में ये रखें कि मुझे मेरा 100% देना है, और आप अपना 100% तब दे पाओगे जब 5 मई को आप 2 से 5:20 के बीच में 3 घंटे 20 मिनट तक अपने आप को कूल, काम, कंपोज रख करके रेजर शार्प फोकस के साथ अपना पेपर करोगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप 5 मई को पेपर बहुत अच्छे से करके आएंगे। तो सभी नीट एस्पिरेंट्स को मैट्रिक्स नीट परिवार की ओर से नीट 2024 के लिए ऑल दी बेस्ट। आपने माइनर भी दिए हैं, RTS भी दिए हैं, DTS भी दिए हैं, नंबर कम भी आए हैं, ज़्यादा भी आए हैं, पर आपके बेस्ट नंबर आने अभी भी बाकी हैं, और वो आएंगे 5 मई को। क्योंकि 5 मई को जो आपके मार्क्स आएंगे वो एक दिन के नहीं, 2 दिन के नहीं, 10 दिन के नहीं, 1 महीने के नहीं, आपके पूरे साल भर के आएंगे। और आपने पूरे साल भर एफर्ट किया है, काम किया है, तो आपका रिजल्ट भी बढ़िया आएगा, बेस्ट ही आएगा। वो मार्क्स आएंगे जो आज तक आपके नहीं आए। बस उसके लिए आपको एफिशिएंट पेपर देना, और एफिशिएंट पेपर दे पाओगे भरोसे से। तो भरोसा रखना अपने काम पे। जिस इंसान को अपने काम पे भरोसा होता है ना, न उसे घबराहट होती, न एंजाइटी होती, न कोई बेचैनी होती। और इस घबराहट, एंजाइटी और बेचैनी से बच गए और एफिशिएंट पेपर दे गए, तो आप कितने भी नंबर ला सकते हो, आप उतने नंबर ला सकते हो जो आज तक आपके नहीं है। तो उन बेस्ट मार्क्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में घबराना नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें और पेपर अच्छे से करके आना। ऑल द बेस्ट। बेटा, आपने साल भर तैयारी की है, इतने सारे टेस्ट दिए हैं, तो आपको ये टेस्ट एक नॉर्मल टेस्ट की भांति ही लगने वाला है। आपके टीचर, आपके पेरेंट्स और मैट्रिक्स आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वो कहते हैं ना कि वो ज्ञान ही क्या जिस ज्ञान की परीक्षा ना हो। तो योर टाइम हैज़ कम। 5 मई तुम्हारा एग्ज़ाम आ चुका है, तो मुझे और पूरे मैट्रिक्स के परिवार को ये कॉन्फिडेंस है कि आप पूरा कॉन्फिडेंस रख के नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरा कदम रखने वाले हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, आपका मनोबल ही आपकी सफलता की कुंजी है, अतः पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पेपर दें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। बच्चों, आपने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, अब बस लास्ट टाइम पे अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जाओ, आराम से पेपर करो और अच्छे से नंबर आएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। समय किसी भी इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय के सही उपयोग से ही इंसान सफल बनता है। इसीलिए 5 तारीख को नीट के एग्जाम में आपको समय का सही उपयोग करना है और सफल बनना है। पूरे मैट्रिक्स परिवार को आप पे भरोसा है और आप ये कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। आप अपनी पूरे साल की मेहनत पे विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। बच्चों, साल भर तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी है, अब वो फ्रूटफुल रिजल्ट लेने का समय आ चुका है। तो वो कहते हैं कि परिश्रम सफलता की कुंजी होती है, तो अब हमें सफल होकर दिखाना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम 2024। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर रूठे, तकदीर भी रूठे, पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट नीट 2024। तो बेटा, कर्म किया है फल मिलेगा, मेहनत की है तो बेहतर कल मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। शुभकामनाएं। बच्चों, पूरे साल भर आपने जो मेहनत करी है उसको परिणाम में बदलने का वक्त आ गया है। तो 5 मई को पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे फोकस, पूरे अटेंशन के साथ आप पेपर देने जाइए और अपने आप पर भरोसा रखिए कि नीट के रिजल्ट का दिन आपका होगा।
तो नीट 2024 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2024 में अपियर होने वाले सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। लास्ट मोमेंट पे अपने पूरे साल की प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट रहते हुए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोच के अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगाना है, ताकि नेगेटिव इमोशंस का आपके पेपर पे कोई इम्पैक्ट ना आए और कॉन्फिडेंट रहते हुए आप नीट 2024 में अपियर हों और अपना 100% दे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, अपनी तरफ से बहुत अच्छा करके आए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। थैंक यू। बच्चों, आपने पूरे सेशन में बहुत अच्छी मेहनत की है और इस मेहनत को अब रिजल्ट में कन्वर्ट करने की बारी है। तो बेटा, आप बिना किसी डर के पेपर में बहुत अच्छा करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। बच्चों, पूरे साल भर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, अब डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी की है, आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। थैंक यू। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। किस्मत की लकीरों से तुम कभी ना उलझो, किस्मत की लकीरें तुम्हें बदलनी आनी चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस ये दिन बेटा आने ही वाला है। आप सभी को 5 मई नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छा करेंगे। तो बच्चों, नीट के एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई रियली विश कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, एग्ज़ाम से पहले कम से कम 7-8 घंटे की बढ़िया नींद लेके जाएं। एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को बहुत रिलैक्स्ड माइंड से पीसफुली पढ़ें, ऑप्शंस अच्छे से देखें, फिर ही आंसर टिक मार्क करें। केवल और केवल सिलेक्शन रुकता है केवल एक कारण से, और वो कारण है सिली मिस्टेक्स। तो जो आपने 2 साल में मेहनत किया है इतना, केवल कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रोक दे। तो थोड़ा बहुत काम पीसफुल माइंड से जाएं और आराम से अपना पेपर दें। ऑल द वेरी बेस्ट आप सब लोगों को एंड मे यू ऑल गेट व्हाट यू डिजर्व एंड व्हाट यू डिजायर। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम 2024। हेलो स्टूडेंट्स, विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर नीट एग्जाम। बी बोल्ड एंड फियर नॉट, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की तरफ भागो। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, तो आज तक आपने जितनी भी मेहनत की है, अब उसको दिखाने का समय आ गया है। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे फुल्ली फोकस्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये मान के चले बेटा, 5 मई को आपके मेटिस का एक फुल सिलेबस टेस्ट है। जितने भी आपने आज तक टेस्ट दिए उनमें से सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट वन रहने वाला है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, एग्ज़ाम देने की जो जगह है, जो हॉल है, वो डिफरेंट है। उसके बदले आपको पेपर ईजी भी तो मिल रहा है। दिन रात की गई अपनी मेहनत पर बेटा भरोसा रखे। जैसे गाँव के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि करोड़ी मेहनत कदे एड़ी नहीं जाए। बी कॉम्पिडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट। 5 मई का दिन आपका होगा। वो मंजिल ही बदनसीब जो हमें पा ना सके, वरना जीत की क्या औकात जो हमें ठुकरा दे। इसी जोश जुनून के साथ ऑल द बेस्ट। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो बच्चों, वो समय आ गया जब आप अपनी पूरी मेहनत को सिर्फ 3 घंटे में एक प्रॉपर शेप दे पाओगे। ड्रॉपर से डॉक्टर बनने का समय आ गया। तो जी जान लगा दो पेपर में, पेपर फाड़ दो। ऑल द बेस्ट। सो बच्चों, फाइनली वो दिन आ गया है जिसमें आपको अपनी पूरे 1-2 साल की जो मेहनत है उसको सफलता में बदल के दिखाना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। आप और हम सब ने मिलकर जिस पल के लिए मेहनत की है वो पल आ ही गया है। बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो पूरी साल मेहनत की है उस मेहनत पर आप भरोसा रखना और 5 तारीख को फोड़ के आना है। मैट्रिक्स परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड वी नो दैट यू विल सक्सीड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम 2024। थैंक यू। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। विशिंग यू अ केमिकल रिएक्शन ऑफ सक्सेस इन नीट 2024। नमस्कार बच्चों, आप सभी 5 तारीख को अपनी नीट की परीक्षा लिखने वाले, उस नीट की परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी एग्ज़ाम के दौरान बहुत एकाग्रचित रहें, फोकस रहें और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाएं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।